मैं कुछ लोगों को ताना नहीं दे रहा, मेरे पास वो आए और मेरे बड़े मोहसिन भी हैं, कहने लगे हमें मसला बिल्कुल आप ठीक करते हो, बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची है, कोई गलती है ही नहीं, ना तो ही ना कुछ भी नहीं, लेकिन शर इतना आपके खिलाफ फैला दिया गया है, अब आपकी तकरीर भी कोई नहीं सुनेगा, हमें ये डर है कि आपकी तबलीग बंद हो जाए, हमें ये डर है कि आपका जलसा कोई नहीं कराएगा, आपकी तकरीर कोई नहीं सुनेगी। तो मैं आज उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, चलो तुम्हें तो यही डर था ना, आज तो फिर खत्म हो गया। एक हमारी बहुत बड़ी दरसगाह है, बड़ा एहतराम है मुझे उस दरसगाह का भी, और वो जो उस्ताद हैं शेखुल हदीस उनका भी, उनसे जब शागिर्दों ने पूछा कि डॉक्टर साहब अगर गलत हैं तो फिर आप गलती बताएं, पर अगर बरहक हैं तो फिर जुबान से कहते कि बरहक हैं, तो आप वहां गए फिर आ गए क्यों, ऐसा बैठ जाते क्यों, गए थे अगर हक पर थे तो क्या समझाने गए थे, कोई गलती थी? नहीं नहीं, बस हमें ये खदशा था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो हम तो जान बचाने गए थे। तो मैं तो सलामत हूं बैठा हूं, मेरे मेजबानों आ जाओ, मैंने चुप रहने वालों को भी माफ किया, मैंने गाली देने वालों को भी माफ किया, लेकिन जिन्होंने मसलक कुशी की है, मसलक से बगावत की है, उन्हें ऐलानिया तौबा करनी पड़ेगी, फिर हम उनके लिए दरवाजा खोलेंगे।